उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक शाखा नौरोजाबाद के खाताधारी ज्योति तंतवाय के अकाउंट से 74,000 और 84,000 रुपए ट्रांसफर हो गए, जो कि मुंबई के एस बैंक में मोहम्मद नाम के व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। के अकाउंट में 1,58,000 जो कि धोखाधड़ी करके ट्रांसफर किया गया है। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत साइबर सेल उमरिया और थाना नौरोजाबाद में की। शिकायत में ज्योति के द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया और खाते को लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही ओटीपी और खाते के बारे में किसी तरह की जानकारी किसी को दी। इसके बावजूद भी मेरे खाते से 1,58,000 निकाल लिए गए। साइबर सेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक से जाँच कर पैसे दिलाए जाने और आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। हाँ जी, हम लोगों को मोबाइल के द्वारा सूचना मिली, मैसेज आया कि आपके खाते से 74,000, हमारी पत्नी के खाते से 74,000 ट्रांजेक्शन हो गया है। तो वो रात में आया तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे सोने में, तो नहीं देख पाए। दूसरे दिन फिर मैसेज आया कि आपके खाते से 84,000 ट्रांजेक्शन हो गए। इस तरह 2 दिन लगातार ट्रांजेक्शन हुआ है 1,58,000, जो कि जिनको हम नहीं जानते उनके द्वारा ये मोबाइल से पैसे उड़ा दिए गए, हमारे अकाउंट से, हमारे पत्नी के अकाउंट से पैसे उड़ा दिए गए, जिसकी सूचना हमने ब्रांच मैनेजर नौरोजाबाद स्टेट बैंक वालों को दी है। तो उन्होंने बोला कि हम पहले आप होल्ड लगवाइए अपने अकाउंट में। हमने होल्ड लगवाया टोल फ्री नंबर पे, फिर थाने में इसकी सूचना दी है, स्टेट बैंक में सूचना दी है एवं साइबर सेल में भी इसकी सूचना दी है, जिसमें अभी तक कुछ हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही कि क्या हुआ, हमारा पैसा कब आएगा। हमारी बार बार एसपी महोदय साहब से गुजारिश है, प्रार्थना है कि इसके पहले भी कई लोगों के साथ इस टाइप का स्कैम हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, जिसका पैसा उन्होंने वापस दिलवाया है। हमारी भी प्रार्थना है कि हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस दिलवाने की कृपा करें एवं दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें। हम लोग जबलपुर एक फंक्शन में गए थे, तो जब वहाँ से लौट रहे थे तब मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि 74,000 का ट्रांजेक्शन हो गया है और उसी दिन सैलरी आई थी अकाउंट में। तो उसमें फिर दूसरे दिन 84,000 का ट्रांजेक्शन हो गया मेरी जानकारी के बगैर। और फिर इसकी सूचना हमने तुरंत ब्रांच मैनेजर को दी नौरोजाबाद के, और फिर थाने में भी दिया, साइबर सेल में भी दिया है, लिखित में दिया है। और एसपी साहब से गुजारिश है कि मेरे पैसे वापस करवाए जाने की कार्रवाई करें, और जिस भी अकाउंट में गया है, मुंबई के कोई मोहम्मद है यश बैंक में, तो जिस भी अकाउंट में गया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। क्या कोई ओटीपी आया था आप में, कि कोई लिंक आया था कि जिसके माध्यम से इतने बड़ा पैसा जो है कि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया? नहीं नहीं, ऐसा तो जानकारी में नहीं है। कोई ओटीपी तो नहीं आया आपके द्वारा, मांगा तो नहीं गया? नहीं नहीं। कोई फोन तो नहीं आया? नहीं। कोई लिंक? नहीं। तो बैंक अभी पुलिस के द्वारा क्या इस विषय में जांच की जा रही है? अब साइबर सेल में दे दिए हैं हमने, बैंक में भी लिखित में दिया गया है, थाने में भी दिया है। अब वो लोग बैंक वाले बोले हैं कई दिन का टाइम मांगे हैं, बोले कई दिन में। टोटल कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है? 74 और 84, 160 करीब। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।